हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय, बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा। स्वागत करता हूँ आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में आई ऑलरेडी हैव स्टार्टेड दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू नो आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुका था, जैसे बाइनरी फिजन, बर्डिंग, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुका था। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पोरुलेशन। तो बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब डिस्कस हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट स्पोरुलेशन। एक स्पोरुलेशन बचा था और एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बचा था, दैट आई विल डिस्कस टुडे। तो यहाँ पे स्पोरुलेशन की हम बात करते हैं, राइट। इन दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस। विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्रोजेनी विल प्रोड्यूस, राइट, जिसे कि आप स्पोरुलेशन कहते हैं। तो स्पोरुलेशन इज व्हाट? दिस इज द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो ये मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है, राइट। विद द हेल्प ऑफ स्पोर प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। तो यहां पे विद द हेल्प ऑफ स्पोर प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जनरली क्या होते हैं? ये दीज में भी मोटाइल और दीज में भी नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग दैट यू कॉल्ड स्पोर। तो स्पोर्स क्या है? मोटाइल और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प टू प्रोड्यूस यंग वंस। तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, और यंग वंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। यहां पे एनसीईआरटी में, राइट, और सिलेबस में आपके जो इस चैप्टर में जो स्पोर्स दिए हैं, स्पोर्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, रिप्रोडक्शन फंजाई में आपने पढ़ा होगा, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर। बट हियर इन दिस चैप्टर देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ स्पोर आर गिवन, राइट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टूडे। तो यहां पे जो स्पोर्स हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स गिवन। नंबर वन इज जूस्पोर, आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट जूस्पोर, एंड अनदर इज कॉनिडिया। तो यहां पे हम जूस्पोर की बात करते हैं। जूस्पोर जो होते हैं ये स्पेशल टाइप के स्पोर्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं विच आर मोटाइल, जनरली विच आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर्स। तो जूस्पोर जो होते हैं फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स हैं, राइट, दीज आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर्स। तो ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप जूस्पोर बोलते हैं, राइट, और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जूस्पोर जो है फ्लैजिलेटेड और मोटाइल स्ट्रक्चर हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हम जूस्पोर के स्ट्रक्चर की बात करें, सो दिस इज सम वॉट कॉनिकल शेप। कैसा होता है ये? सम वॉट कॉनिकल शेप। अगर हम जूस्पोर की यहाँ पे बात करें तो ये कॉनिकल शेप होता है। कैसा होता है ये? दिस इज कॉनिकल शेप। तो देखिए यहां पे दिस इज जूस्पोर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। ये है जूस्पोर। दिस जूस्पोर समवॉट कॉनिकल स्ट्रक्चर। तो यहां पे
ये जो है कॉनिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है ये स्ट्रक्चर? कॉनिकल, राइट। देखिए दिस इज समवॉट कॉनिकल स्ट्रक्चर, या ये कहिए पिरामिड से भी आप कह सकते हैं। तो यहां पे जो स्पोर जो होते हैं ये पिरामिड शेप है एंड बाइफ्लैजिलेटेड, पिरामिड शेप और बाइफ्लैजिलेटेड। सो दिस इज जूस फोर, दैट इज पिरामिड और बाइफ्लैजिलेटेड इन शेप। तो पिरामिड्स पिरामिड शेप में होता है और ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है ये जूस फोर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पे जो जूस फोर की फॉर्मेशन होती है, प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ जूस फोर टेक प्लेस इन जू स्पोरेंजियम। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप जू स्पोरेंजियम बोलते हैं, उसमें टेक प्लेस करता है। देखिए ये यहां पे राइट जू स्पोरेंजियम है और इस जू स्पोरेंजियम में काफी सारे जू स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, राइट। देयर विल बी सो मैनी जू स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन, तो यहां पे काफी सारे जू स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर। और ये यहां पे जू स्पोरेंजियम है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जू स्पोरेंजियम। तो यहां पे काफी सारे जू स्पोर फॉर्मेशन होते हैं जू स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर में। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है क्लैमिडोमोनस। क्लैमिडोमोनस एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर एल्गी है और यहाँ पे इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ दिस बाइफ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, राइट। ये जो है क्लैमिडोमोनस सेल्स जब मेच्योर हो जाती है उससे रिलीज होता है और यहाँ पे इट बिहेव्स लाइक एन एडल्ट, फिर उसके बाद ये एक एडल्ट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्लैमिडोमोनस, जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसमें जू स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, राइट। तो जू स्पोर क्या है? ये एक बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, पिरामिड शेप है, दो फ्लैजिला होते हैं और इसकी हेल्प से ये जो स्पोर है जब ये जर्मिनेट कर जाता है तो एक न्यू यंग वंस या न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस जू स्पोर इज क्लैमिडोमोनस। इसके बाद बात करते हैं कॉनिडिया की। कॉनिडिया की अगर हम बात करें तो कॉनिडिया जो होते हैं ये नॉन मोटाइल स्फेरिकल स्पोर होते हैं। क्या कैसे होते हैं? जैसे जू स्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहां पे जो कॉनिडिया है ये नॉन मोटाइल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये नॉन मोटाइल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप कॉनिडिया बोलते हैं। कॉनिडिया पॉसेस ऑन कॉनिडियो फोर, तो कॉनिडियो फोर्स पे कॉनिडिया पॉसेस करते हैं, राइट। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम कॉनिडियो फोर के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कॉनिडियो फोर का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉनिडियो फोर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर। ये यहां पे कॉनिडियो फोर का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो कॉनिडियो फोर है दिस इज ब्रांच स्ट्रक्चर। कैसा होता है? ब्रांच स्ट्रक्चर होता है कॉनिडियो फोर, दिस इज द ब्रांच स्ट्रक्चर। तो यहां पे ये जो है एक ब्रांच स्ट्रक्चर है कॉनिडियो फोर। इसकी जो पहली जो ब्रांच होती है वो होती है रैमी, इसके बाद फिर इसमें फर्दर ब्रांचेस देखी जाती हैं जिसको आप मैट्यूली बोलते हैं, मैट्यूली, राइट। इसके बाद यहां पे मैट्यूली के अंदर फर्दर ब्रांचेस देखी जाती हैं जिनको आप बोलते हो स्टेरिक मेटा, स्टेरिक मेटा। और ये स्टेरिक मेटा पे प्रोसेस करते हैं चेन ऑफ कॉनिडिया। ये आप देख रहे हैं दिस इज द चेन ऑफ कॉनिडिया, पूरा ये चेन स्ट्रक्चर है, दिस इज चेन ऑफ कॉनिडिया, राइट।
तो यहाँ पे ये प्रोसेस करते हैं, ये नॉन मोटाइल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, कॉनिडियोस्पोर भी इनको आप कहते हैं, और ये कॉनिडियोफोर पे ये प्रोड्यूस होते हैं। कॉनिडियोफोर जो है वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, कॉनिडियोफोर जो है वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, राइट। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, रैमिन, मैट्यूली, स्टेरिक मेटा, एंड स्टेरिक मेटा पे प्रोसेस करते हैं चेन ऑफ कॉनिडिया। जनरली कॉनिडिया जो फॉर्मेशन देखा जाता है ये फंजाई में देखा जाता है, कुछ फंजाई होते हैं जिनमें कॉनिडिया फॉर्मेशन देखा जाता है, राइट। ड्यूट्रोमाइसिटिस जैसे फंजाई में भी कॉनिडियोफोर की फॉर्मेशन देखी जाती है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंजाई है, आपने सुना होगा। पेनिसिलियम में जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो कॉनिडिया की फॉर्मेशन यानी कि जो कॉनिडिया स्पोर्स है उसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है पेनिसिलियम में। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉनिडिया फॉर्मेशन। इसके बाद बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, या ये कहिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए प्लीज, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जनरली प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, इफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी, राइट, वो प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है, डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड ग्रो इनटू द यंग वंस और ग्रो इनटू द न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट यू कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जनरली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स। ये किस में ऑब्जर्व किया जाता है, प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द पार्ट ऑफ प्लांट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच जाता है एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स और वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है, इसे आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विल डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट, दैट यू कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये यहाँ पे जो डिटैच पार्ट है इसे आप कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो दिस इज द डिटैच पार्ट ऑफ प्लांट दैट जनरेट इनटू ए न्यू प्लांट, जो कि एक न्यू प्लांट में जनरेट हो जाता है, इस वेजिटेटिव पार्ट को आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल दैट इज द डिटैच पार्ट ऑफ द प्लांट दैट जनरेट इनटू द न्यू प्लांट, इसे इस डिटैच पार्ट को आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म होता है, यानी कि इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स पे। तो याद रहे, तो यहाँ पे ये जनरेट करता है एक नए प्लांट को। अभी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स से कुछ एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ विच आर ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में ये भाई स्टेम्स भी हो सकते हैं, ये रूट्स भी हो सकते हैं, इवन ये लीव्स भी हो सकते हैं।
तो स्टेम, रूट्स और लीव्स, ये कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का. इट मे बी द स्टेम, इट मे बी द लीव, इट मे बी द लीव एंड इट मे बी द रूट ऑल्सो. तो इट मे बी द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, कुछ भी पार्ट हो सकता है प्लांट का जिससे कि एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है. यानी कि ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की तरह काम करते हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स न्यू प्लांट में जनरेट हो जाते हैं. तो सबसे पहले मैं स्टेम्स की बात करूं, तो यहां पे स्टेम्स की अगर मैं बात करूं, स्टेम्स में जो है सबसे पहले जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं कुछ, तो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम. ऐसे ही कुछ सब एरियल स्टेम्स होते हैं, राइट. ऐसे ही कुछ एरियल स्टेम्स होते हैं, राइट. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स विच परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करता हूं अंडरग्राउंड स्टेम्स की. तो अंडरग्राउंड स्टेम्स जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की तरह काम करते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम्स जनरली अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होते हैं नॉन ग्रीन होते हैं और ये मेनली फूड स्टोरेज का काम करते हैं. दीज आर मेनली जो है नॉन ग्रीन और फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है. तो अंडरग्राउंड स्टेम्स आर जनरली नॉन ग्रीन, स्टोर द फूड्स, राइट. एंड अंडरग्राउंड का मतलब है लाई इनसाइड द सॉइल, ये लोकेटेड होते हैं सॉइल में. इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूँ पोटैटो की, पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. तो पोटैटो जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये क्या करता है स्टोर द फूड, फूड स्टोर करने का काम करता है पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टेम है. एंड इट स्टोर्स द फूड, ये फूड स्टोर करता है अंडरग्राउंड स्टेम है. और ये जो है located at terminal ends of underground stems, right? located at terminal end of underground stem. is that clear to all of you? यहां पे इस टाइप के स्टेम को आप ट्यूबर भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? you can say tuber holes, right? जो यहां पे अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको आप पोटैटो कहते हैं वो मेनली ट्यूबर है, राइट. और वो जो है अंडरग्राउंड है, टर्मिनल एंड्स ऑफ द स्टेम्स पे लाई करता है और फूड स्टोर करता है और ये एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है. इज दैट क्लियर? पोटैटो ऑल्सो पोसेस आई बर्ड्स. तो पोटैटो में आई बर्ड्स होती हैं और वो आई बर्ड से एक न्यू प्लांटलेट डेवलप हो जाता है. सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटैटो, राइट. पोटैटो में कहीं कहीं पे आई बर्ड्स देखी जाती हैं. देखा, आपने देखा होगा, राइट. जब आलू जो है पुराना हो जाता है या उसको मॉइस्चर मिल जाती है तो उसमें आई बर्ड्स देखने के लिए मिलती हैं. अभी जो आई बर्ड्स क्या करती हैं, आई बर्ड्स से एक न्यू प्लांटलेट जनरेट होता है. नीचे की साइड ये एडवेंटिशियस रूट जनरेट होती है, एडवेंटिशियस रूट, और ऊपर की साइड जनरेट हो जाता है न्यू प्लांट यानी कि एक न्यू स्टेम. तो एक न्यू प्लांटलेट जो है वो किससे निकलता है? न्यू प्लांटलेट जो है वो आई बर्ड ऑफ पोटैटो से अराइज होता है. आर यू गेटिंग ऑन नोट? तो यहां पे अगर हम बात करें तो पोटैटो जो है जो कि एक ट्यूबर है पोसेस आई बर्ड्स. आई बर्ड्स पोसेस करते हैं एंड ये जो आई बर्ड्स हैं दीज आई बर्ड्स जनरेट न्यू प्लांटलेट्स. तो ये नया प्लांटलेट्स को, न्यू प्लांटलेट्स को जनरेट करते हैं दीज आई बर्ड्स. So these eye birds generate the new plantlets, right? In case of potato, is that clear to all of you? तो यहाँ पे ये हो गया tuber या potato underground stem में. Second कौन सा है? ऐसी एक underground stem और होता है जो कि ginger में देखा जाता है, rhizome, mainly observed in ginger. तो ginger में क्या होता है? अगर देखा हो आपने ginger का structure, this is the structure of ginger. ये इस तरीके से ginger का structure होता है, right? इस तरीके से यहाँ पे काफी सारी, राइट. इस तरीके से जिंजर का स्ट्रक्चर है और ये जिंजर के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये स्ट्रिप अपीयरेंस देख रहे हैं. ये स्ट्रिप अपीयरेंस मतलब ये स्ट्रिप अपीयरेंस जो है ये शो करती हैं नोड्स को.
तो यहाँ पे बर्ड्स प्रोसेस करते हैं जिंजर में, जिंजर का जो स्ट्रक्चर है इसको आप राइजोम बोलते हैं, और इस राइजोम में काफ़ी सारी बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स हैं, और ये जो बर्ड है ये एक न्यू प्लांटलेट्स में जनरेट होती है। ये जिंजर जो है ये राइजोम, इसको आप बोलते हैं राइजोम स्ट्रक्चर है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये भी काफ़ी सारी बर्ड्स प्रोसेस करते हैं, और ये बर्ड्स जो है एक न्यू प्लांटलेट में यानी कि एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो राइजोम की अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम, इट ऑल्सो प्रोसेस बर्ड्स वी जनरेट इंटू वी जनरेट द न्यू प्लांट, जो कि एक नए जिंजर प्लांट को जनरेट करता है। तो राइजोम जनरली जिंजर में ऑब्जर्व किया जाता है, राइट? प्रोसेस बर्ड्स वी जनरेट न्यू प्लांट, और राइजोम का जो बेस्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जिंजर। जिंजर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, राइट? ऐसे ही और भी कुछ अंडरग्राउंड स्टैम्स होते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, राइट? ये भी एक तरह का स्टैम है, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट इज बल्ब, सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बल्ब। अगर बात की जाए बल्ब की, तो बल्ब जो है ये एक रिड्यूस डिस्क शेप मॉडिफाइड स्टेम है, राइट? एंड दैट इज कवर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, जो कि लार्ज नंबर ऑफ लीव्स से कवर्ड होता है। तो बल्ब जो है रिड्यूस डिस्क लाइक स्टेम एंड कवर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है अनियन। अनियन जो है उसमें बल्ब देखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो अनियन है, जब आप देखते हैं अनियन को, तो बीच में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रिड्यूस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज कवर्ड बाय द लीव्स। तो यहाँ पे लीव्स हैं, राइट? और सेंटर में ये बल्ब है, और ये जो बल्ब है ये एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, राइट? तो ये भी क्या करता है, हेल्प्स टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट, ये एक नए प्लांट को जनरेट करने में हेल्प करता है, जिसको आप बल्ब बोलते हैं। ऐसे ही बल्ब के बाद है एक स्ट्रक्चर और, मैं आपको बता रहा था बल्बिल, राइट? तो बल्बिल जो है, यहां पे अगर हम बल्बिल की बात करें, ये तो हो गया बल्ब, इसके बाद बल्बिल की बात करता हूं, तो बल्बिल जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है। बल्बिल एक मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड है, राइट? व्हेन इट विल डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड इट विल जनरेट इनटू द न्यू प्लांट बल्बिल, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड जनरली इन एगाओ प्लांट। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, बल्बिल की मैं बात कर रहा हूं। बल्बिल जो है ये एक मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड है। This is what modified floral bird. आपने NCERT में इस तरह का कुछ डायग्राम देखा होगा बल्बिल के बारे में, देखिए, This is बल्बिल। तो बल्बिल जो है ये मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड है, देखिए इस तरीके से आपने एक डायग्राम देखा होगा इन NCERT बुक। तो ये जो बल्बिल है ये एक मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड है, This is मॉडिफाइड फ्लोरल बर्ड। तो this is what, this is बल्बिल। तो ये बल्बिल है, this is modified floral bird, when it will detach from the plant body it will generate into the new plant, for example agave, right? to yahan pe modified floral bird hai, detach from plant and germinate into new plant, ek new plant mein germinate ho jata hai bulbil,
इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेटा एगाओ, बल्बिल इन एगाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहां पे राइट, मैंने बताया अंडरग्राउंड स्टेम बता दिया मैंने आपको, बल्बिल बता दिया। इसके अलावा यहां पे कुछ एरियल और सब एरियल स्टेम्स भी होते हैं। अगर हम सब एरियल स्टेम की बात करें तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट इज सब एरियल स्टेम। तो जो सब एरियल स्टेम्स होते हैं जनरली वीक होते हैं राइट, एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम सॉइल। ये वीक होते हैं एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम सॉइल, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी काम करते हैं। सो सब एरियल स्टेम्स जो होते हैं जनरली वीक एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम सॉइल, वीक एंड गेट सपोर्ट फ्रॉम सॉइल। तो सब एरियल स्टेम्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसमें आ गया रनर, आ गया रनर, शकर आ गए सकर, रनर सकर एंड ऑफसेट। तो रनर की हम बात करते हैं, रनर जो होते हैं इनको रनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो है बहुत ही फास्ट इनकी ग्रोथ होती है, एंड दैट रन अलोंग द सॉइल सरफेस। जितनी भी आपने देखा होगा डूब ग्रास, एक ग्रास होती है डूब ग्रास, उसमें रनर्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज इनको रनर इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे रन अलोंग द सॉइल सरफेस राइट। तो सॉइल सरफेस के अलोंग रन करते हैं और ये जो है बड़े ही रैपिड रेट से रिप्रोडक्शन करते हैं, इनमें फास्ट ग्रोथ देखी जाती है। तो ये हो गया रनर। तो रनर क्या है? रनर जो होते हैं रन अलोंग द सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस के साथ रन करते हैं अलोंग द सॉइल सरफेस एंड शो वेरी फास्ट प्रोपेगेशन। ये बहुत ही फास्ट रेट से प्रोपेगेशन शो करते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है डूब ग्रास। डूब ग्रास में रनर्स देखे जाते हैं, आपने देखा होगा डूब ग्रास कुछ इस तरीके से होते हैं। ये यहाँ पे रनर्स हैं जो कि ये स्टेम है एग्जैक्टली, ये नोड और इंटर नोड दोनों प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे इसके एक पर्टिकुलर नोड वाले एरिया से ऊपर की साइड लीव्स निकलती है और नीचे की साइड रूट्स आती है, ये रूट और ये टफ्ट ऑफ लीफ राइट, ये लीव्स हैं। इस तरीके से जो है ये सोइल सरफेस के साथ जो है दीज रनर्स जो होते हैं, ये जो रनर्स है रन अलोंग द सोइल सरफेस, इस सोइल सरफेस के अलोंग रन करते हैं। यहाँ पे ये नोड वाला एरिया और नोड के बीच का जो एरिया होता है इसको इंटर नोड बोलते हैं। तो इनके जो नोड्स होते हैं, इंटर नोड बोला जाता है, इनके जो नोड्स होते हैं उनमें टफ्ट ऑफ लीव्स होते हैं और रूट होते हैं। रूट जो है दीज ग्रो इनसाइड द सोइल एंड जो लीव्स जो होते हैं वो जो है सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो ये रनर है, डूब ग्रास में देखा जाता है। इसके अलावा एक और सब एरियल स्टेम है जिसको आप बोलते हैं ऑफसेट, दैट एग्जांपल आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट इज ऑफसेट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए प्लीज, तो जो अगला स्ट्रक्चर है वो है ऑफसेट। ऑफसेट जनरली प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर हाइसिंथ और पिस्टिया, ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनमें जो है प्रेजेंट होता है ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है राइट, ये एक शॉर्ट स्टेम होता है एंड दैट पोसेस टफ्ट ऑफ लीव्स, और या फिर रोसेट ऑफ लीव्स आप बोलते हैं ऑफसेट को। तो नेक्स्ट इज ऑफसेट। ऑफसेट मेनली प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट राइट। ऑफसेट जो होते हैं फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, ये जनरली वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं राइट। इनकी आर्क्स निकली होती है, इनमें जो आर्क होती है आर्क्स अपवर्ड, इनकी आर्क जो है अपवर्ड होती है एंड इनके जो नोड्स होते हैं उन नोड्स पे रोसेट ऑफ लीफ यानी कि टफ्ट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल वाटर हाइसिंथ, देखिए यहां पे इस तरीके से आर्क की फॉर्म में होते हैं राइट, इस तरीके से। तो यहां पे ये ऑफसेट है,
दिस इज व्हाट ऑफसेट। ऑफसेट में ये जो नोड वाला एरिया है इसमें यहाँ पे रूट्स होते हैं और यहाँ पे टफ्ट ऑफ लीव्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? टफ्ट ऑफ लीव्स, ठीक है, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्ट्रक्चर है ऑफसेट, ऑफसेट भी फास्ट रेट से प्रोपेगेशन करने में हेल्प करता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है वॉटर हाइसिंथ। वॉटर हाइसिंथ जो है दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट, राइट। वॉटर हाइसिंथ को आप इकॉर्निया भी बोलते हैं, यू ऑल्सो बी नोन एज इकॉर्निया भी बोलते हैं। वॉटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल। वॉटर हाइसिंथ इज द टेरर ऑफ बंगाल। ये टेरर ऑफ बंगाल है, वॉटर हाइसिंथ को आप टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ऑफसेट की हेल्प से ये फास्ट रेट से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट टाइम दिस वॉटर हाइसिंथ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस इन इंडिया, राइट। इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं इनमें। लेकिन ये एक सीरियस एक्वेटिक वीड है जो कि बहुत ही फास्ट रेट से ग्रो करती है। इवन अवर रिमूवल एबिलिटी, हमारी रिमूवल एबिलिटी से ज़्यादा इनकी फास्ट ग्रो हो जाती है। और कभी कभी ये वाटर लॉगिंग कर देते हैं, राइट, यानी कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग की वजह से रिवर फ्लड की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो है ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे भी ये सर्वाइव करते हैं वहाँ पे अदर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रहे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं क्योंकि ये ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है एंड जिसकी वजह से हो जाती है डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो जहां पे ये ग्रो करता है वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स या अदर प्लांट्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये सारी ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है और अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, इसलिए वो डाई आउट कर जाते हैं। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं और ये ऑफसेट की हेल्प से रिप्रोडक्शन करता है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और भी है जिसको आप बोलते हैं वाटर लेट्यूस। तो वाटर लेट्यूस जिसको आप पिस्टिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पिस्टिया। तो उसमें भी ऑफसेट की हेल्प से रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ऑफसेट के बाद क्या है? रनर हो गया, ऑफसेट हो गया, ऐसे ही होते हैं सकर। सकर जो होते हैं अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस बर्ड से अराइज होते हैं ये, और ये जो है ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स, एक नए प्लांट में अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, ग्रो अपवर्ड, ये सॉइल से निकल के ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, इनको आप सकर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट इज सकर्स। अगर हम सकर्स की बात करें तो सकर्स जो होते हैं ये भी सब एरियल स्टेम्स हैं, राइट। ये मेनली ग्रो इनसाइड द सॉइल, ग्रो इनसाइड द सॉइल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ग्रो करते हैं इनसाइड द सॉइल, एंड दीज सकर जनरली अराइज फ्रॉम एडवेंटिशियस बर्ड इनसाइड सॉइल। ये अराइज होते हैं एडवेंटिशियस बर्ड जो कि सॉइल के अंदर है, राइट, जिसको आप सकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्स। तो यहां पे सपोज दैट दिस इज ए पर्टिकुलर स्टेम्स और यहां पे रूट है, तो यहां पे कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। ये एडवेंटिशियस बर्ड से एक, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेम्स एडवेंटिशियस बर्ड्स का जो प्रोजेक्शन है इसको सकर बोलते हैं, और ये सकर बाद में सॉइल से बाहर की तरफ निकल आते हैं जिससे कि एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये सकर्स है। सकर्स जो है अराइज फ्रॉम द एडवेंटिशियस बर्ड इनसाइड द सॉइल एंड दे विल कम आउट फ्रॉम द सॉइल। तो एक एक्सटेंशन के बाद ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, आफ्टर सम एक्सटेंशन दिस कम आउट फ्रॉम द सॉइल्स एंड जनरेट इनटू द न्यू प्लांट, दिस आर कॉल्ड सकर्स। सकर्स जनरली ऑब्जर्व किया जाता है क्रिस एंथेमम एंड पाइन एप्पल जैसे प्लांट्स में, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, क्रिस एंथेमम या क्राइस एंथेमम भी आप बोलते हैं, एंथेमम या पाइन एप्पल जैसे प्लांट्स में सकर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। सो सकर्स जनरली हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं एंड कम आउट फ्रॉम द सॉइल एंड जनरेट इनटू द न्यू प्लांट, राइट। दीज कम आउट फ्रॉम सॉइल एंड ग्रो इनटू द प्लांट।
तो ये है सकर्स। तो रनर हो गया, ऑफसेट हो गया, सकर्स हो गया, ये सब एरियल स्टेम्स के एग्जांपल है जो कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो सब एरियल हो गया, एरियल स्टेम्स की बात करते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट एरियल स्टेम्स ऑल्सो, लिसन केयरफुली व्हाट इज एरियल स्टेम एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट इज एरियल स्टेम। That I'm going to discuss now aerial stems. देखिए प्लीज, एरियल स्टेम्स की हम बात कर रहे हैं। एरियल स्टेम यानी कि जो राइट यानी कि जो कंप्लीटली एरी होता है, एरियल स्टेम की हम बात कर रहे हैं। तो एरियल स्टेम जनरली ये भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एरियल स्टेम पोसेस नोड्स एंड इंटरनोड्स, राइट। सपोज दैट दिस इज एन एरियल स्टेम, तो ये एक एरियल स्टेम्स है, स्टेम है। तो यहां पे नोड और इंटरनोड दोनों प्रोसेस करता है। देखिए ये नोड वाला एरिया है और ये यहां पे इंटरनोड वाला एरिया है। तो ये जो यहां पे एरियल स्टेम है प्रोसेस बोथ नोड एंड इंटरनोड्स। तो इसमें नोड और इंटरनोड होता है और नोड में यहां पे कहीं कहीं पे आपको बर्ड्स देखने के लिए मिलती है। ये बर्ड्स हैं, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन। तो यहां पे देयर नोड प्रोसेस बर्ड्स, और ये जो बर्ड्स हैं दीज बर्ड्स डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट, इनसे एक नया प्लांट अराइज हो जाता है। तो यहां पे सपोज दैट एक पर्टिकुलर बर्ड है और उससे कुछ एक नया प्लांट इस तरीके से लीव्स निकल आई है, बर्ड से एक न्यू प्लांट जनरेट हो गया है, राइट। तो ये एरियल स्टेम है, सुगर केन में देखा जाता है। आपने देखा हुआ जो सुगर केन की लोग खेती करते हैं तो उनके स्टेम्स को लगा दिया जाता है, तो उनमें बर्ड्स होती हैं, बर्ड से एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है, राइट। तो ये एरियल स्टेम का एग्जाम्पल है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका एरियल स्टेम। तो सब एरियल स्टेम्स, एरियल स्टेम एंड बल्बिल मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लीव्स की। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स एक लीफ होती है, राइट। तो देखते हैं लीफ बर्ड आप कहते हैं, तो लीफ की बात करते हैं। सम लीफ पोसेस, सम लीव्स पोसेस लीफ बर्ड। कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कि लीव्स लीफ बर्ड प्रोसेस करती हैं, एंड ये जो लीफ बर्ड्स होती हैं लाई ऑन मार्जिन ऑफ लीफ, लीफ के मार्जिन पे लाई करती हैं। लीफ बर्ड की मैं बात करूं, सपोज दैट दिस इज ए पर्टिकुलर लीफ, दिस इज ए पर्टिकुलर लीफ, ये एक पर्टिकुलर लीफ है। अब यहां पे इस पर्टिकुलर लीफ के मार्जिन वाले एरिया पे, दिस इज द मार्जिन ऑफ लीफ, इस मार्जिन लीफ एरिया पे यहाँ पे लीफ बर्ड देखी जाती है, राइट। दीज आर दी लीफ बर्ड, ये यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट है लीफ बर्ड के नीचे, तो इससे एडवेंटिशियस रूट निकल आती है, ठीक है। तो इस तरीके से लीफ बर्ड जो होती हैं ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती हैं, एग्जैक्टली। तो इसका जो एग्जाम्पल है, तो लाई ऑन मार्जिन ऑफ लीफ एंड हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करती है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। इसका जो एग्जाम्पल है एडेंटियम, जिसको वॉकिंग फंस भी आप कहते हैं,
इसमें लीव बर्ड की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है, वॉकिंग फर्न, राइट। इसके अलावा यहां पे अनदर एग्जांपल कैलोनची, कैलोनची, राइट। इसके अलावा यहां पे ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम दैट एग्जांपल इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। तो ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। तो लीफ और लीफ बर्ड भी रिप्रोडक्शन में यानी कि एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स की तरह काम कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं रूट्स की, राइट। जनरली जो बर्ड्स होती हैं वो, या फिर नोड या इंटरनोड की अगर हम बात करें, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। बट सम रूट्स, सम इन केस ऑफ सम प्लांट्स रूट ऑल्सो पोसेस बर्ड्स एंड दैट्स दैट बर्ड्स अराइज इन टू द न्यू प्लांट्स, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मेनली बर्ड्स पोसेस ऑन स्टेम। तो बर्ड्स जो है वो स्टेम का करेक्टर है, बट इन सम प्लांट्स, एक्सेप्शनली इन सम प्लांट्स ऑल्सो पोसेस बर्ड्स। कुछ प्लांट्स में भी, इन सम प्लांट्स रूट ऑल्सो पोसेस बर्ड, इन सम प्लांट्स रूट्स ऑल्सो पोसेस बर्ड। तो जनरली बर्ड्स जो प्रेजेंट होती हैं वो स्टेम से प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें एक्सेप्शनली रूट्स में भी बर्ड्स पोसेस करती हैं। बट इन सम प्लांट्स रूट्स ऑल्सो पोसेस बर्ड्स एंड दीज बर्ड्स अराइज इनटू न्यू प्लांट्स, ये न्यू प्लांट्स को अराइज कर देते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डहलिया। डहलिया प्लांट में के रूट्स में बर्ड्स प्रेजेंट होती है, जिससे ही एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, राइट। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीट, अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।